नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। पटना के गांधी मैदान से आगाज हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव का। आप देखिए कि मेरे पीछे तमाम लोगों की भीड़ जुटी है, तो आज हम ये जानेंगे कि अगर मोदी से मुकाबला करना है तो पूरे देश भर के जो विपक्षी दल हैं उनकी क्या तैयारी है, उनकी तरफ से कौन सा ऐसा बड़ा चेहरा है जो नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर सकता है। जानते हैं कि इन तमाम लोगों की राय क्या है। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों से आए हैं, चलिए इनसे बातचीत करें। मेरा नाम रघुवीर प्रसाद यादव है, मैं सीतामढ़ी से आता हूँ। हिंदुस्तान में 60 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है जो गरीबी रेखा के अंदर है, तो निश्चित रूप से 40% लोग अमीर और किसान होंगे। तो जब 60% गरीब है तो फिर गरीब के हक में यह सरकार कौन सी योजना दिया है? नहीं दिया है। फ्री में गैस दिया और 1200 रुपया में सिलेंडर भरा जा रहा है। 6000 रुपया किसान को दिया और 700 किसान बॉर्डर पर मरा है और कानून को वापस लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है। यहाँ पर शिक्षा को साफ साफ ख़त्म कर दिया गया। महंगाई इतनी बढ़ गई कि आज जो नमक मिल रहा था 5 रुपये किलो, वो 28 रुपये किलो बिक रहा है। यहाँ एक सुई जो बिक रहा था 2 पैसे में, वो अब 2 रुपया में मिल रहा है। इतनी महंगाई बढ़ गई है। ये सरकार एक गरीब की झोपड़ी में 3 परिवार गुजारा करता है, बेटी बहू और पतोहू और सास रहता है। उसके लिए ये काम नहीं करता है कि हम गरीब को 400 पेंशन मिलता है। हमारी चुनी हुई सरकार यह 1 लाख रुपया माहवारी पेंशन खाता और मौज मस्ती उड़ाता है। ये जो आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि 2013 में नरेंद्र मोदी से गांधी मैदान से रैली करके गए और 2014 में सत्ता में आ गए। आज दूसरा कार्यकाल पूरा होने वाला है और आज 2024 की जो हम बात कर रहे हैं, 2024 में जो चुनाव होगा, क्या इसी गांधी मैदान से आप लोग भी कुछ नया करने की सोच रहे हैं कि कुछ बदलाव करेंगे देश में? सही है। और जितनी भी पेंशन योजनाएँ हैं, चाहे बुजुर्गों का पेंशन हो, सरकारी कर्मचारियों का पेंशन हो, सारे चीज में कटौती किया जा रहा है। और सरकार, भारत की जो सरकार है उसको भारत की मूलभूत समस्या से कोई मतलब नहीं है। वो सरकार सिर्फ भाजपा और आरएसएस का जो हिंदू पक्ष, आप नरेंद्र मोदी सरकार की सारी नीतियां, जो नीतियां आपने गिनाई, आप उनके खिलाफ हैं? आपको लगता है कि सरकार जो है जनता के भला के लिए कुछ भी नहीं कर रही है? सरकार न कुछ की है और न कुछ करेगी ये सरकार। अच्छा ठीक है, नरेंद्र मोदी की तमाम नीतियों से आप बता रहे हैं कि दिक्कतें हैं, तो इन दिक्कतों को कौन दूर कर सकता है? कोई नाम जहन में है जो नरेंद्र मोदी को 2024 में हरा सकता है? कोई है आपके दिमाग में ऐसा नेता? हमारा महागठबंधन की जो सरकार बनेगी, सारे विपक्षी ताकतों को हम लोग एकजुट करने जा रहे हैं। उसी के तहत हम आज रैली का आगाज कर रहे हैं पटना के गांधी मैदान से। 2024 में हमारी एकता इतनी मजबूत होगी कि महागठबंधन की सरकार देश में बनेगी। महागठबंधन का नेता कौन होगा, कुछ सोचा है? नीतीश कुमार यहां से अगुवाई करना चाहते हैं? हम ये नहीं कहना चाहते कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, हम ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो पार्लियामेंट में जाकर के वहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। एक से एक दिग्गज उसमें मौजूद हैं। आप ये तो मानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी से अभी मुकाबला करना इतना आसान नहीं है? इतनी बड़ी चुनौती जो आप देना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, इस चुनौती के लिए क्या तैयारी है आपकी? कौन सा ऐसा चेहरा, कोई तो ऐसा चेहरा या कोई ऐसी नीति जो काम, जो आपको किसी नेता में झलक आती हो? जब महागठबंधन है तो इसमें सारे दल के शीर्ष नेता जो है वो अपने आप में चेहरा ही है। यहाँ सारा गठबंधन साथ आ जाएगा, आपको उम्मीद है कि सारे कांग्रेस, भाकपा वाले, नीतीश कुमार, जदयू, राजद, सब लोग एकजुट हो जाएंगे? एकजुट हो जाएंगे। हम आप बोलिए क्या नाम है आपका? काम कर रहे हैं या असगर हुसैन, ये तो एकजुट है हम लोग पहले से ही। अच्छा, ममता बनर्जी, केजरीवाल, हाँ, राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। जब महागठबंधन मान लीजिए जीत जाता है तो किसे प्रधानमंत्री बनाइएगा? पार्लियामेंट तो अपनी जो है वही फैसला। आप लोगों की क्या पसंद रहेगी? हमारी तो पसंद हमारे बिहारी बाबू की है, पसंद है। आप नीतीश कुमार को पसंद करेंगे? उनको लाइक करेंगे कि वही महागठबंधन की अगुवाई करें? अगुवाई करें, सर्वश्रेष्ठ। ऐसा नहीं होगा। हम लोगों का एक नियम है कि तमाम विपक्षी लोगों को जो पूरे इंडिया के निमंत्रण दे दिया गया है, तमाम लोगों को एक जगह पर जुटाएंगे और जुटा करके उनसे मशविरा करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा योग्य बोलने वाला, सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा दौड़ने वाला और हम लोगों की भला चाहने वाला होगा,
एक आदमी को प्रधानमंत्री बनावेंगे और निश्चित रूप से लगभग 30-35% वोट में मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इनका मैं सबसे पहले छक्का छुड़ा दूंगा कि हिंदुस्तान के ये महिला विरोधी है और इस महिला का 50% वोट है। इन लोगों की तो तैयारी जबरदस्त है। इनका कहना है कि हम सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी को 2024 में कड़ा मुकाबला देंगे और इसीलिए गांधी मैदान में आज पूरे बिहार से लोग जुटे हुए हैं अपनी कई समस्याओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। लेकिन साथ ही साथ ये बहुत बड़ी चुनौती होगी 2024 के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना फिलहाल थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इनकी तैयारी कितनी जबरदस्त है ये देखने वाली बात होगी। कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो महागठबंधन की अगुवाई करेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।